विवादों के बीच अब 67वीं बीपीएससी की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जाएगा। कई बार इसको लेकर हंगामा हुआ, पटना में प्रदर्शन हुआ और अब जो है इसका रिजल्ट जल्द ही जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि 67वीं बीपीएससी की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट मार्च महीने में किया जाएगा और मार्च के अंत तक ये रिजल्ट जारी हो जाएगा। हम खबर आपको विस्तार से बताते हैं। 67वीं बीपीएससी की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट मार्च के अंत तक आने वाला है और संभावना है कि फाइनल रिजल्ट जून तक जारी हो जाएगा। वहीं 802 पदों के लिए मुख्य परीक्षा 30 और 31 दिसंबर के बाद यानी 7 जनवरी को हो चुकी है और 326 पदों के लिए 68वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभी तक लगभग 4,30,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। वहीं आवेदन की अंतिम तिथि 10 जनवरी तक है। वहीं 68वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी को निर्धारित है। वहीं 68वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा से ही रिजल्ट जारी होने के 3 दिन पहले उत्तर जारी कर दिया जाएगा। यानी कह सकते हैं कि 68वीं बीपीएससी की परीक्षा जो है वो 12 फरवरी की होगी, लेकिन कह सकते हैं कि 67वीं बीपीएससी की जो परीक्षा की मुख्य रिजल्ट है वो मार्च महीने के अंत तक हो जाएंगे। ऐसे में आपको बता दें कि बीपीएससी की रिजल्ट को लेकर काफ़ी सरकार की किरकिरी हुई थी और छात्रों ने, जो अभ्यर्थी हैं, उन्होंने हंगामा किया था पटना की सड़कों पर और बीपीएससी कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन भी किया था। वहीं बीपीएससी के जो अधिकारी हैं अमरेंद्र कुमार, उनके जो है उनको हटाने की मांग की गई थी। पटना की सड़कों पर लगातार इसको लेकर प्रदर्शन भी किया गया था। वहीं आपको बता दें कि 67वीं बीपीएससी की रिजल्ट की मुख्य परीक्षा जो हुई है वो उसकी रिजल्ट जल्द ही जारी कर दिएंगे जाएंगे। ऐसे में आपको बता दें कि लगभग उम्मीद है कि मार्च के अंत तक जो है ये रिजल्ट जारी हो जाएंगे। अपने सहयोगी कैमरामैन अमित के साथ बने रहे दस जी न्यूज़ के लिए और देखते रहें दस जी न्यूज़।